मेरा निसार अहमद ओलंपिक का मेडल लेके आवे, मेरे भारत का नाम रोशन करके झंडा लहराए। मेरा नाम निसार अहमद है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करता हूँ। अभी मैंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है, काफ़ी मीट रिकॉर्ड, स्टेट रिकॉर्ड सारे बनाए और मैं अभी कॉमनवेल्थ की तैयारी कर रहा हूँ, जो मैं जमैका जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने। बचपन में शरारती था ज़्यादा वो, और बच्चों को मार मार के भागता था तो लोग उसको पकड़ नहीं पाते थे। और बच्चे कभी कभी मेरे से भी जो है मुझे परेशान करता था, तो मैं भी दौड़ता था उसके पीछे, भी बड़ा तेज भागता था, पकड़ में नहीं आता था। एक बार जो है पीटीआई सर जी ने बोला कि मैं सब बच्चों को अलग अलग स्कूल से नहीं, एक एक बच्चे को लेके जा रहा हूँ जो है दौड़ाने के लिए, तो कौन कौन बच्चा जाएगा वो हाथ ऊपर कर दे। तो निसार अहमद ने भी हाथ ऊपर किया, तो निसार अहमद को स्टेडियम लेके गए पीटीआई सर जी ने, तो निसार अहमद ने जीत गया, उसको मेडल मिला। मैं ये जैसे एक कोठी में काम करती थी तो दो दो कोठी तीन पकड़ लिया कि अब इसको ज़्यादा ज़रूरत है खाने पीने का, क्योंकि हमारा बच्चा इतना पाता नहीं था खाने को, तो मैं चार पांच कोठियों में काम करने लगी। फिर निशान ने कहा कि मम्मी मैं अच्छा दौड़ पाता हूँ, जब मुझे जूता दिला देगी तो मम्मी मैं बहुत अच्छा दौड़ूंगा। मैंने कहा भैया आपका जूता कितने का आएगा? 4,000-5,000 का जूता आता है वो, तो इतनी मेरी तनख्वाह नहीं थी तो मैं इतना जूता कहाँ से लाऊं। तो मैं जो मालिक मेरा था मैं उससे बोलती थी, तो वो जो है अपने बच्चों का जूता देता था, जो रिटायर कर देता था वो जूता मुझे देता था, तो वो लड़का का ला के देती थी, उन्हीं का कपड़ा पहनता था, उन्हीं का जूता पहनता था। महीने का कोई किसी महीने में 6, किसी महीने में 7, बस यही है, किसी महीने में 6, किसी महीने में 7 कमाता हूँ बस। और मेरा पांव भी ख़राब है, मैं पंजे से रिक्शा चलाता हूँ किस तरह। मेरे को कहता था कि पापा हमारी रेस देखने आया करो, तो हमने कहा बेटा ऐसा 200-400 रुपये जो आते हैं हमारे खर्चे के लिए वो फिर आ नहीं पाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी अगर तुम्हें रेस देखने गया था, मैं इसलिए नहीं जाता था। तो सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठता है, तो पहले तो वो नमाज पढ़ता है, उसके बाद जिम जाता है, जिम के बाद फिर स्टेडियम, फिर स्टेडियम से आएगा 9:30-10 बजे, फिर शाम को 3 बजे फिर स्टेडियम दोबारा छत्रसाला स्टेडियम में, फिर 3 बजे वहीं पहुंच जाता है। रनिंग नहीं करता तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कुछ कभी कुछ कर पाऊँगा, बट ये एक गॉड ने मुझे एक रास्ता दिखाया, मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ और काफ़ी अच्छा हो रहा है इम्प्रूवमेंट। मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी दिल्ली गवर्नमेंट से कि हम मेरे जैसे और भी बहुत सारे मेडलिस्ट हैं जो स्लम एरिया में हैं, काफ़ी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, कोई डाइट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, तो मैं उनके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्हें भी सपोर्ट करें, एक स्कीम सा ऐसा कुछ स्पोर्ट्स के लिए निकालें जिस वजह से हमें सपोर्ट मिल पाए और हम और अच्छा स्पोर्ट्स में कर सकें।